ग्राम सभा के विषय में पढ़ रहे हैं। ग्राम सभा क्या होती है, कल हम लोग पूरा आ गया। हम लोग ग्राम सभा की मीटिंग के विषय में देख रहे थे, ग्राम सभा की कितनी मीटिंगें होती हैं। फिर हम लोग देख रहे थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम सभा, ये भी देखा गया। पहले हम लोग क्या पढ़े, ग्राम सभा का डिफिनीशन तो सेक्शन 2G में दिया गया है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम सभा सेक्शन 3 में दिया गया है, ये भी हम लोग अच्छे से देखा गया ना कि ग्राम सभा, इसमें हम लोग केस लॉज भी देखे थे, सेक्शन 3 लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए, लिख लिए थे ना केस लॉज के बाद। फिर हम लोग मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा की कितनी मीटिंगें होती हैं, दो मीटिंग होती है, जो एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष दो सामान्य सभा बुलाई जाएगी, एक आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप, एक दूसरा आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द खरीफ क्रॉप, इसे रबी मीटिंग कहा जाता है और खरीफ मीटिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण सभा, एक प्रधान बुला सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। इसमें लिखे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में, यहां तक हो गया था, ईच मीटिंग शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रधान ऑफ द कंसर्नेड ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान करेगा। और आप हेडिंग डालिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य बैठक, असाधारण सामान्य बैठक। अब ये हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य बैठक, द प्रधान में कॉल, द प्रधान में कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, प्रधान एक्स्ट्रा प्रधान में भी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, लिखिए प्रधान असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है, प्रधान असाधारण असामान्य बैठक बुला सकता है। आगे हाइफन एट एनी टाइम, किसी भी समय आर या किसी भी समय या सेकेंड किसी भी समय एट एनी टाइम आर, देखिए बियर एक्ट में लिखा है अपॉन आ रिक्वेजेशंस इन राइटिंग बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, किसी भी समय एट एनी टाइम या विहित प्राधिकार द्वारा लिखित रूप से मांगे किए जाने पर, बाय नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर, 1/5 मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नंबर नंबर ऑफ द मेंबर्स मेंबर्स, कम से कम 1/5 सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर। अब देखिए यहाँ रुक जाइए, नहीं लिख पाया तो रुक जाओ। प्रधान एक्स्ट्रा असाधारण सामान्य बैठक कौन बुलाए, प्रधान बुला सकता है, कब, किसी भी समय या अपॉन द रिक्वेजिशन इन राइटिंग बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, जो विहित प्राधिकार द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर, विहित प्राधिकार के द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर, और why not less than 1/5 number of the member अथवा सदस्यों की संख्या की कम से कम 1/5 की मांग पर, समझ गए, लिख लिए हिंदी में, लिख लिए 5 की मांग पर। अब देखिए आने वाले मेंस के एग्जाम में ये रखा हुआ है, अब ऐसे कंपलसरी में देगा, क्वेश्चन नंबर टू में 3-4 क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपलसरी रहता है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड पर दे देगा, क्या कर देगा, थर्ड पर दे देगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ, या इतना ही लिखेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, आगे कभी कभी कर एक्ट का नाम ही नहीं लिखता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस एक्ट में दिया है, पहले सबसे बहुत ऐसे क्वेश्चन है आप प्रीवियस का देखेंगे कैसे दे दिया वो कन...
इसके ऊपर लिख दिया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत निम्नलिखित को परिभाषित करिए, डिफाइन द फॉलोइंग अंडर द यूपी पंचायती राज एक्ट, तो ठीक है, नहीं लिखा और दे दिया खाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य बैठक, तो आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप असाधारण सामान्य बैठक जब लिखोगे और ये रखा हुआ आने वाले एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है, तो यही प्रधान में कल प्रधान आप ऊपर इंट्रो दोगे कि प्रत्येक ग्राम सभा की दो मीटिंगें होती है प्रत्येक वर्ष, एक खरीफ मीटिंग होती है एक रवि मीटिंग होती है, लेकिन प्रधान को ये पावर है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है, में काल बुला सकता है कब किसी भी समय किसी अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर, कोई अथॉरिटी रिकमेंड की कि भैया नई बैठक बुलाना है, लेकिन सदस्यों की संख्या का 1/5 नंबर से होना चाहिए, और ये जो टाइम है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 30 डे रिसीव फ्रॉम सच रिक्वेजेशन, जिस दिन रिक्वेजेशन करे उसके 30 दिन में बुलाना चाहिए, और अगर प्रधान फेल हो जाता है तो उसको टाइम लिख लिए विद इन 30 डेज, नीचे नंबरिंग करके नहीं, 30 दिन के भीतर, ऐसी वन दिनांक से 30 दिन के भीतर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेजेशन, नीचे ऐसे विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेजेशन 30 दिन के भीतर, ऐसी मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर एक आसान बुलाई जा सकती, क्लियर। हम लोग भी ग्राम सभा भी पढ़ रहे हैं, ग्राम सभा की परिभाषा क्या होती है, ग्राम सभा का स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा, फिर 2-3 केस लाज हम लोग उसमें देखे थे, फिर हम लोग मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा पढ़ रहे हैं, मीटिंग में जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हेडिंग वाले कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम कोरम ऑफ मीटिंग, इसे पंचायत में बीच बीच से खूब क्वेश्चन पूछता है, अपॉइंटमेंट टाइप पंच, अपॉइंटमेंट ऑफ सरपंच, हाँ ये सब नए पंचायत में खूब पूछता है, तो मीटिंग का जो कोरम होगा, कोरम मतलब गणपूर्त, सभा की गणपूर्ति ना होगा, बढ़िया इसको प्रोपर परंतु में दिया है क्लास 2 में लिख लीजिए, ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्त की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी, किंतु प्रतिबंध यह है गणपूत के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक की आवश्यकता ना होगी, पर एनी मीटिंग ग्राम सभा 1/5 नंबर ऑफ द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा 1/5 नंबर ऑफ द मेंबर्स शैल बी फॉर कोरम ऑफ द कोरम प्रोवाइड नो कोरम शैल बी नेसेसरी फॉर मीटिंग एडजन आर वन टू कोरम, लिख लिए कोरम है। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है बट कि जहां इस आधार पर मीटिंग अस्थित कोरम के कारण कि कोरम नहीं पूरा, फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं कोरम की, वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। इतना हो गया, केस लिखिए, शंभु सिंह SKMBHU शंभु सिंह वर्सेज, हाँ हाँ शंभु सिंह वर्सेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर आजमगढ़ 1984 शंभु सिंह वर्सेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर आजमगढ़ जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर मतलब जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ का केस आप लिखे कि शंभु सिंह वर्सेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर आजमगढ़ कि इट हैज बीन हेल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 50% मेंबर इज नॉट नेसेसरी, हेल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 50% मेंबर्स इज नॉट नेसेसरी इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। इस केस में शंभु सिंह वर्सेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, यह केस भूलोगे भी नहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी होते हैं पीसीएस ऑफिसर होते, भूलोगे नहीं आप, याद है जैसे लिखा मीटिंग में आप कि पंचायत राज अधिकारी, अगर पता है कि आपको जिले में जिला पंचायती राज अधिकारी होता है आपको क्लियर हो जाएगा, शंभु सिंह नहीं कोई भी नाम याद आ जाएगा डाल देना, कोई भी नाम याद है डाल देना, ये है
लेकिन अब गूगल पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि अब वो सर्च करें कि सही लिखा गया है कि नहीं पहले था। लेकिन ये याद रहेगा, शंभू सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट पंचायत राजा, इसमें कहा कोर्ट ने कि ग्राम सभा मीटिंग के लिए 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, कि 50% से इस आधार पर चैलेंज किया गया कि ग्राम सभा की मीटिंग में 50% भी मेंबर 50 मेंबर भी प्रेजेंट नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि 50% मेंबर पर, वहां 1/5 लिखा गया है, 1/5 पांचवा है, तो कोई जरूरी नहीं कि 50% ही है। दूसरा केस लिखिए, इन द केस ऑफ जयंत्री प्रसाद मिश्रा, जयंत्री प्रसाद मिश्रा वर्सेस P.P.R. वो DPRO जौनपुर, DPRO जौनपुर पहले जयंत्री प्रसाद मिश्रा और से DPRO जौनपुर ना, DPRO मतलब हाँ वही है डिस्ट्रिक्ट पंचायती, तो DPRO डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के, इसमें लिखिए It has been held at where a meeting has been adjourned for want of quorum, the subsequent meeting shall not be adjourned for want of quorum। इसमें कहा कि जहां गणपूर्त के अभाव में स्थगित की गई है, पुनः दोबारा जब सुशीकृत पश्चातवर्ती हो कि बैठक गणपूर्त आवश्यकता फिर नहीं होगी, अगर फिर दोबारा बैठक करानी है फिर वहां कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। पहले मीटिंग बुलाई गई, कोरम नहीं पूरा हुआ, स्थगित कर दी गई, फिर दोबारा बुलाई गई, कोरम नहीं पूरा और तो वहां वो स्थगित नहीं किया, कोई कोरम की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिना कोरम के ही हो जाएगी, 4-5 लोग जितना भी उपस्थित है उसी में मीटिंग हो जाएगी। चलिए फंक्शन ऑफ ग्राम सभा ग्राम सभा के कार्य, सेक्शन 11 क्लॉज 5 यूपी पंचायत राज एक्ट 347। ग्राम सभा के कार्य, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 उपधारा 5, वही 11(5) लिखना है, लिखिए पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। सब सेक्शन 5 और सेक्शन 11 प्रोवाइड फॉलोइंग फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द ग्राम सभा नेमली, वही तीनों जो बेयर एक्ट में लिखा है, मोबिलाइजिंग वॉलेंट्री लेबर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, वो तीनों लिखो हिंदी में लिखिए। धारा 11 उपधारा 5 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उपबंधित करता है ग्राम सभा निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी, अर्थात सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना पहला, दूसरा गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान, और तीसरा गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। ये आपसे अलग भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में कि डायरेक्ट नहीं रखे हो, हाँ बस वही बता दिए थे कल, हो गया कहा लिख ली, नए पेज से स्टार्ट करिए ग्राम पंचायत, जो जो एक एक हम लोग पढ़ते चलेंगे। ग्राम पंचायत पहला हम लोग ग्राम सभा पढ़े, अब हम लोग पंचायत पर आ गए हैं। ग्राम पंचायत क्या होती है, सेक्शन 2H में तो बताया गया है कि ग्राम पंचायत का क्या मतलब है,
सेक्शन किस में बताया गया है, तो एच में बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ ग्राम पंचायत, हेडिंग ग्राम पंचायत वो जो ठीक है डेफिनेशन है, हेडिंग ग्राम ऊपर लिखे ना बीच में ग्राम पंचायत, यहाँ हेडिंग फिर पड़ेगा ग्राम पंचायत, हिंदी में भी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीन्स द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ग्राम सभा। सेक्शन 12 पर आइए, सेक्शन 12 पढ़ना है, 12 पर आइए बस। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालक इकाई है। एवरी ग्राम पंचायत शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, प्रत्येक ग्राम पंचायत निगमी निकाय होगी। एवरी ग्राम पंचायत शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट, प्रत्येक ग्राम पंचायत निगमी निकाय होगी। लाइन चेंज करके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, धारा 2H, देखिए ये इस तरह से ये लिख लीजिएगा, वो ताथा दादा झाझा का जमाना खत्म करिए, H समझ जाएंगे कि इसमें धारा 2H उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, ग्राम पंचायत मींस द ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। ग्राम पंचायत का तात्पर्य धारा 12 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत से है, गठित ग्राम पंचायत से है। ये सेक्शन 2H ये कोई डिफिनिशन क्लाज में दिया है, पर ये कोई डिफाइन नहीं करता है, ये इतना ही बताता है कि ग्राम पंचायत मतलब वो है जो धारा 12 में गठित की गई है। ग्राम पंचायत मिसा ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द यूपी पंचायती राज एक्ट उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 12 में गठित पंचायती राज से है। अब धारा 12 कहता कि पंचायत ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा सेक्शन धारा 12 के अनुसार। अब आइए सेक्शन 12 पढ़िए तब फिर लिखा जाए, चलिए बस रुक जाइए ही। अब धारा 12 में बताया गया कि ग्राम पंचायत के विषय, ग्राम पंचायत क्या है, जैसा 2H ने कहा में कहा गया है ग्राम पंचायत में मतलब वही ग्राम पंचायत तो धारा 12 में गठित की गई है। तो ये बताया कि एवरी ग्राम पंचायत धारा 12 कह रहा है डियर सेल वर्ल्ड सेल किया गया तो होना ही होना है, उसमें नो डाउट है, वर्ल्ड सेल कंपलसरी मैंडेटरी बना दिया। एवरी ग्राम पंचायत एरिया मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत एरिया में एक ग्राम पंचायत होगी, बेरिंग द नियम ऑफ द पंचायत एरिया, जो उस पंचायत का जो नाम होगा वो उसको धारण करेगी। मतलब दियर सेल भी या पंचायत फॉर एवरी ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत होगी, और ये ग्राम पंचायत बॉडी कॉर्पोरेट है, निगमित निकाय है, मतलब ये लीगल पर्सन है ग्राम पंचायत। इसके विरुद्ध इसके अगेंस्ट तो वाद फाइल किया जा सकता है, ग्राम पंचायत वाद ला सकती है दोनों, तो बॉडी कॉर्पोरेट में लीगल पर्सन बना दिया, इसके नाम से वाद फाइल किया जा सकता है, वाद कर सकती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो कंपोजिशन है या कॉन्स्टिट्यूशन गठन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा, क्या होगा, एक प्रधान होगा, और प्रधान के 7 प्लस उसके मेंबर होंगे, क्या होंगे, मेंबर, प्रधान प्लस मेंबर, मेंबर का इस पंचायत में ग्राम पंचायत कितने मेंबर होंगे ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, वहां के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है कि जैसे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या नहीं कि जो वहां के जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में जो 18 वर्ष से नाम
है ऊपर कि बताया गया है कि इस वहां के पंचायत 2000 हैं, 1000 हैं, इस तरह से है, उसके अनुसार सदस्य होंगे। तो इस चीज को ध्यान देना, आप जैसे पूछ लेंगे कि किसी पंचायत में कितनी सदस्य हो सकते हैं, तो बताना कि सर ये तो कहां के पॉपुलेशन के अनुसार डिपेंड करेगा। पॉपुलेशन मतलब इलेक्टोरल रोल से यहां मतलब है, उस पंचायत 13 के इलेक्टोरल में जितने व्यक्ति का कितने लोग आ रहे हैं, तो उसे गांव की संख्या तो वो ज्यादा हो, 4-5 हजार हो जाएगी, लेकिन मतदाता कितने हैं, वोटर लिस्ट में कितना नाम है, उस हिसाब से उसके है। ताकि अगर किसी पंचायत का पॉपुलेशन अप टू 1000 तक है, 1000 तक, 1000 वोटर है, तो वहां 9 मेंबर होंगे, प्रधान प्लस 9 मेंबर। किसी पंचायत की पॉपुलेशन 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम, मतलब 1001+2000 2000 तक, 1001 से लेकर 2000 तक, प्रधान प्लस 11 मेंबर, चाहे 1100 चाहे 1200 चाहे 1500 चाहे 1600 1800 1900 2000 11 में अप टू 1000 तक 9, दो दो बढ़ेगा। इसी पंचायत एरिया का पॉपुलेशन जनसंख्या 2000 से अधिक प्लस 3000 तक यहां होंगे 13 मेंबर, कितने होंगे 13 मेंबर, प्रधान प्लस 13 मेंबर्स। किसी पंचायत एरिया की पॉपुलेशन अबव 3000, तो आगे मन हो जहां तक जाए, 3000 से अधिक ने भी हो, प्रधान प्लस 15 मेंबर, मतलब वो ग्राम पंचायत के सदस्य, इनको जो इस है वो ग्राम पंचायत के क्या बोला जाता है, सदस्य बोला जाता है। जैसे नगर निगम में पार्षद होते हैं, पार्षद को नाम सुनेंगे पार्षद है, उसी तरह ग्राम पंचायत का भी कंपोजिशन होता है, मतलब अगर कोई मेंबर चुना ही नहीं गया तो ग्राम पंचायत का गठन ही नहीं हो पाएगा। तो कोई जिसको प्रधानी चुनाव लड़ना होता है पहले मेंबर बनवाते हैं, या तो पार्षदी पार्षद नहीं दे तो सब एक्टिव रहते हैं पार्षदी चुनाव लड़ने के लिए, वहां कहते हैं यार प्रधान बन जाएंगे, अगर एक सदस्य भी नहीं चुने जाएंगे तो प्रधान मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए वो अपने वार्ड से सदस्य का भी नामांकन करवा देते हैं, क्योंकि वहां सदस्य का ग्राम पंचायत के सदस्य का कोई निधि है नहीं, खाली वो बना देते हैं उसे, तो कराना पड़ता है कि भैया जीतेंगे सदस्य का चुनाव तो नहीं, बाद में पंचायत का गठन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर बाद में चुनाव होगा तो इसे लेट हो जाएगा। तो यही कारण है कि जितना उस पंचायत की पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसके क्लियर अध्यक्ष प्रधान क्या होता है, उस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, लिखा भी यही है, द ग्राम पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ प्रधान इन द केस ऑफ पंचायत है पॉपुलेशन, द अध्यक्ष प्रधान प्लस उसके इतना सदस्य होंगे। आपके एग्जाम में क्या ग्राम पंचायत पूछेगा, तो हमारा स्टेप चाहिए पूछेगा कंपोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत, गठन कैसे होता है, ये चीज लिखनी। 1000 बढ़ता जाता है, 2 बढ़ते जाते हैं, 3000 से अबव है तो 15 ही होंगे, 3000 से चाहे जितना 5000 हो, 4000 हो, 6000 हो, 7000 हो, तो भी 15 ही मेंबर रहेंगे। उस गांव की जनसंख्या 10000 भी हो जाए ग्राम पंचायत की तो भी, लेकिन अब इतना हो ही नहीं, दूसरा ग्राम पंचायत बनाएंगे, कहीं गांव के ज्यादा हो रहा है, इसको अलग करो, इसको राजस्व ग्राम डिक्लेयर कराओ, इसको अलग करो। लेकिन अब 10 उसी एरिया में, जैसे अभी जब हम लोग म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे तब ऐसा कोई ग्राम क्षेत्र जो नगर क्षेत्र की तरफ डेवलप हो रहा है, नगर की क्षेत्र पर की तरफ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो देखा जाए जैसे बहुत छोटे मार्केट होते हैं, नगर पंचायत नहीं हो तो शहर नहीं डिक्लेयर होते हैं, पर वो बड़े शहर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो कभी कभी हो जाओ बड़ी पंचायत हो जाती है और वहां 6-7 हजार 8 हजार वोटर हो जाते हैं, तो सरकार सोचती है अब इसको नगर पंचायत डिक्लेयर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, नगर पंचायत। जैसे आपके आसपास के क्षेत्र में कई से सरकार करती है उसको नगर पंचायत क्षेत्र डिक्लेयर कर दे,
संख्या ज्यादा हो रही है, इसको हम नगर पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसे कोई ग्राम पंचायत 10,000 की जनसंख्या प्राप्त कर लिया और 10,000 की जनसंख्या वही प्राप्त करता है जो शहर के क्षेत्र के तरफ डेवलप हो रहा है, जैसे बीकेटी हुई तो अभी तो नगर पंचायत बनाया गया 5 साल पहले, सब नगर पंचायत पहले वही बनाया गया है। अब देखिए 10,000 हो गया उस ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन, इसको सरकार नगर पंचायत डिक्लेयर कर देगी। अब ये शहर क्षेत्र में आ गया, जैसे हम लोग पंचायत यहां पढ़ते हैं जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत नगर पंचायत, वैसे अभी जब हम लोग म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, इसी तरह ये भी पढ़ा जाएगा। अब कोई नगर पंचायत थे वहां की जनसंख्या 1 लाख हो गई, 1 लाख, तो उसको नगर पालिका परिषद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल ना, नगर पालिका परिषद। अब यही नगर पालिका परिषद 10 लाख की मतलब 1 मिलियन जनसंख्या प्राप्त कर लिया, खैर तो वो भी है, इसको नगर निगम डिक्लेयर कर दिया जाए, क्या हो जाए, महानगर क्षेत्र डिक्लेयर कर, तो अब यहां नगर निगम हो जाएगा। तो जैसे वहां आप 3 पढ़ते हो, 3 यहां पढ़ते हो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत नगर पंचायत, वैसे वहां पढ़ोगे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। 10, 1 लाख, 10 लाख, जैसे लखनऊ ये नगर निगम है, नगर परिषद में ना नगर पंचायत किस में है, नगर निगम, 10 लाख की जनसंख्या आप देखो नगर निगम में। अब आसपास के क्षेत्र बढ़ता जाता है, जो ग्राम पंचायत में वो भी नगर निगम में शामिल होते जाए। देखिए अभी शहर की डेवलप चिन्ह टुनेट तो अभी आया है नगर निगम में, प्लाट खरीदने तो सबसे पहले ही बताते हैं कि नगर निगम में आ चुका है, अगली बार ये नगर नहीं है तो कहीं आ जाएगा, यहाँ पार्षद होंगे। लखनऊ में प्लाट खरीदो उतने का जितने का प्लाट होता है मुकदमा लड़ने के लिए पैसा रखो, जितने का प्लाट खरीदो उतने पैसा रखो मुकदमा लड़ने का, तब जाकर होता है, समझे। तो कितनी जनसंख्या प्रत्येक ग्राम पंचायत एरिया के लिए ग्राम पंचायत होगी जिसका चेयरमैन प्रधान होगा और जिसके उसकी जनसंख्या के अनुसार उसके सदस्य होंगे। चलिए लिखिए इसमें तो ग्राम पंचायत से देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, ग्राम पंचायत शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी ग्राम पंचायत एरिया। धारा 12 के अनुसार प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। इट सेल बियर द नियम ऑफ पंचायत एरिया, बियर द नियम ऑफ द पंचायत एरिया। इट सेल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, हिंदी में कहां लिखे, तो एक निगमित निकाय होगी, लाइन चेंज कर दीजिए। ग्राम पंचायत सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रधान, ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, एंड इन द केस ऑफ पंचायत एरिया हैविंग पॉपुलेशन ऑफ हाइफन लगा दीजिएगा, और ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है और सदस्यों की संख्या उस पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार होती है, अनुसार होती है, लिखे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ग्राम सभा की पॉपुलेशन है ना, इलेक्टोरल रोल वाला है, मेंबर्स सदस्य जनसंख्या अप टू 1000, 1000 तक 9 मेंबर सदस्य, 1001 2000 11 मेंबर, मोर देन 1000 बट नॉट मोर देन 2000 11 मेंबर, मोर देन 2000 बट नॉट मोर देन 3000 नॉट मोर देन 3000 13 मेंबर्स 13 सदस्य, मोर देन 3000 मोर देन 3000
एक 3000 से अधिक एबव अधिक 15 मेंबर्स, 3000 से ज्यादा जितना भी ज्यादा हो, लिख लिए हो गया। प्रधान और मेंबर्स कितने होंगे, प्रधान सब में प्लस प्रधान होता जाएगा, प्रधान प्लस 9 मेंबर, प्रधान प्लस 11 मेंबर, प्रधान 15 मेंबर, ये लगे ये ग्राम पंचायत का गठन है। केस लिखिए, इन श्रीमती श्यामावती श्यामोती श्यामोती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013, अदर्स मतलब कोई अन्य भी पार्टी है इसमें, अन्य भी पार्टी है ना, अन्य पार्टी होंगे, राज्य सरकार भी पार्टी है प्लस पंचायती राज। इट वाज हेल्ड एट ग्राम सभा इज अ बॉडी। देखिए इसमें दो चीजें कही गई थी, एक कल ग्राम सभा वाला लिखे हो कि ग्राम सभा की एक निकाय है जो इसके अनुसार ऐसे गठित होती है, पूरा राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन करके जारी करके गठित किया जाता है, और जहां ग्रुप के लिए ग्राम पंचायत गांव के समूह लिए ग्राम सभा की गठन हो रहा है, वहां जिसकी पॉपुलेशन अधिक होगी उसके अनुसार होगा। फिर इसमें जो आगे लाइन कह रहा है वो लिख लीजिए उतना, इट वाज हेल्ड एट अ ग्राम पंचायत इज टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड वर्चुअली बी आई आर पी यू ए एल एल वाई वर्चुअली इज अ बॉडी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ग्राम सभा, बॉडी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ग्राम सभा having it territorial jurisdiction over the concerned panchayat area I declare under section 11F of UP Panchayat Raj Act, 11F of UP Panchayat Raj Act